आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। ओम खंडेलवाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बड़वा। किस तरह से विफल रही है कांग्रेस सरकार? छह महीने में कांग्रेस सरकार कर्जे के मामले में फल रही है, और जो वचन पत्र में उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता, उसमें फल रही है। लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं बना पा रही है प्रदेश के अंदर, और सिर्फ तबादला उद्योग कर चलाकर तबादले भारी भरकम मात्रा में कर रही है। 500 आईएएस के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, और पूरे प्रदेश में सब मिलाकर 15,000 तबादले विगत 6 माह में हुए हैं। प्रभारी मंत्री को लेकर अभी आपने कहा है कि वो डमी है। तरह से देखो, प्रभारी मंत्री ने कल जिले के अंदर पत्रकार वार्ता करी, वो पुराने पूर्व 6 माह में जो कार्य सरकार ने किए उसको लेकर पत्रकार वार्ता करी, लेकिन जिले के अंदर क्या हुआ यह बताने में वो असफल रही। इसलिए ऐसा लगता है कि प्रभारी मंत्री को जिले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और वो जानकारी हासिल करना भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो डमी के रूप में काम कर रही है। अभी आपने बताया जो हत्याएं हुई चित्रकूट और इंदौर में, गृह मंत्री का बार बार कहना है इसमें बीजेपी का हाथ रहा है। हर बार जब भी घटनाएं घटी उन्होंने बीजेपी को ही टारगेट किया है। वो तो क्या है कि उनकी मानसिकता ही ऐसी है गृह मंत्री जी की, वो आरोप लगाते रहते हैं। आरोप लगाने से उनके दायित्व का छुटकारा नहीं मिल सकता। वो गृह मंत्री है, वो अपराधियों को पकड़ना चाहिए, यह उनका दायित्व है। आरोप लगाना उनका दायित्व नहीं है। 6 महीने की कमलनाथ सरकार को कार्यकाल पर कैसा आते हैं? सरकार पूरी तरह से फ्लाप है, और फ्लाप होने के कई कारण हैं, क्योंकि सरकार एक व्यक्ति नहीं चला रहा है, 2.5 CM चला रहे हैं सरकार, उसके कारण भी सरकार फेल हो रही है, क्योंकि सबके अलग अलग व्यू है और सबके अलग अलग फैसले होते हैं। इसके कारण कई बार कांग्रेस सरकार को यू टर्न लेना पड़ता है, जैसे भावांतर योजना नहीं लिया, मीसाबंदियों की पेंशन नहीं लिया, इस तरह से एक फेल फ्लाप सरकार है।